हेलो फ्रेंड्स, एंटायर हाउसहोल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स। पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स बनाने के लिए हम एक बाउल में पास्ता लेंगे और ये लगभग एक बाउल ही हमने पास्ता लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने गैस पे भगोनी चढ़ा दी है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल क्यों डालेंगे? तेल इसलिए डालेंगे ताकि हमारे पास्ता एक दूसरे से चिपके ना। उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अब आप सोचोगे नमक क्यों डालेंगे? नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि जब नमक हमारे पास्ता में एंटर करेगा तो उसका टेस्ट एहेंस करेगा, मतलब और अच्छा कर देगा। अब हम इसमें हमारे पास्ता डाल देंगे। इसको हम 10-15 मिनट तक बॉईल होने देंगे और हम इसको बार बार चेक करेंगे कि हमारे पास्ता बॉईल हुए नहीं हुए। अच्छे से चक्कू से आप देख लेंगे, अगर ये कट रहे हैं सॉफ्टली तो आपको पता चल जाएगा ये मेरे पास्ता बॉईल हो चुके हैं। मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और इसको साफ पानी से 2-3 बार अच्छे से धोया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वेजिस की ओर बढ़ते हैं। वेजीज में मैंने बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर और स्वीट कॉर्न। ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। मक्का जिसे हम कहते हैं, भुट्टे जिसे हम कहते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब पानी क्यों डालेंगे? अभी ये फ्रोजन है ना, इसको नॉर्मलाइज करेंगे, ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनाएंगे, तो हम पानी डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। गैस पे बॉईल कर लो, माइक्रोवेव में बॉईल कर लो, या आपकी इच्छा है किसी पे भी बॉईल करो, अपन को बॉईल करने से मतलब है। ये बॉईल हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रे लेंगे। ट्रे में हम फॉइल पेपर लेंगे और फॉइल पेपर को अच्छे से बिछा लेंगे। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स बनेगी ये। मतलब पास्ता जो हम नॉर्मल पास्ता खाते हैं उन सबसे अलग है और अलग टेस्ट आएगा। अब हम टूथपिक्स लेंगे। आप सोच रहे होगे टूथपिक्स क्यों लेंगे? अरे यही तो मेजर पार्ट है पास्ता पिज़्ज़ा स्टिक्स बनाने के लिए, यही इसका ही मेजर काम है। अब हम इसमें 4 पास्ता डालेंगे, हमें 4-4 का सेट बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से हम 4 का सेट बनाएंगे। ये मेरा एक सेट बनके तैयार हो चुका है, ऐसे ही हम बाकी सारे सेट्स बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉसेस की ओर बढ़ते हैं। ये टमाटो सॉस है, इसको हमें अच्छे से पास्ता पे लगाना है। आप चाहो कुछ भी लगाओ, आप कोई से भी सॉस आपको पसंद है वो लगाओ, चटनीज पसंद है जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है वो डालो, पुदीना चटनी, हरी चटनी, सब कुछ आराम से बिंदास होके डालिए। और इस तरह से मैं सभी पे सॉस लगा दूंगी। ये मैंने सब पे सॉस लगा दिया है और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सेजवान चटनी है, आपके घर में कुछ भी हो, कुछ भी चटनी हो, पुदीना चटनी, हरी चटनी, जो आपको पसंद हो, मिंट मेयोनीज, मेयोनीज, कुछ भी जो आपको पसंद हो वो सब इस इन पास्ता स्टिक्स पे आप लगाएं। लहसुन की चटनी भी आप लगा सकते हैं और लहसुन की चटनी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी बना के डाल सकते हैं। अब हम मेयोनीज स्प्रेड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत टाइम सेविंग है। ये सब पे हमने मेयोनीज लगा लिया है। अब हम वेजीज डालेंगे। शिमला मिर्च हम एक एक करके सब पे डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। टमाटर डालेंगे। और स्वीट कॉर्न डालेंगे। मतलब फटाफट बनने वाली रेसिपी है, मेहमान आए झटपट आप फटाफट बना के खिलाइए, बिल्कुल अलग टेस्ट होगा।
बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा ये। अब हम चीज़ डालेंगे। अगर हमें और बहुत सारी चीज़ डालनी हो, बहुत चीज़ी बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने सारे सॉसेस लगाए उसके बाद हम चीज़ ऊपर से और डाल देंगे, फिर सारे वेजीज डाल देंगे, फिर और चीज़ डाल देंगे, तो बहुत चीज़ हो जाएगा। अब हम इसे बेक करेंगे। बेक आप ओवन में भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, और पैन पे भी कर सकते हैं। पर पैन पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो बस यही है कि फ्लेम को लो रखना होगा और उसको ढकना होगा, और बिल्कुल 5 मिनट में आपका पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक बन के तैयार होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे यकीन है कि एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। अब मैंने ओवन को 250 डिग्री पे पहले से ही सेट कर रखा था, और अब हम हमारे पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स इसमें रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम हमारे पिज़्ज़ा पास्ता स्टिक्स निकालेंगे और इसको प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे चैनल का मोटिव यही है कि टाइम सेविंग वीडियोस बने, क्योंकि आजकल की भागा दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो 20-20 मिनट की वीडियोस देखे। अब मेन काम पे आते हैं, वो है गार्निश करना। गार्निश ये हम किससे करेंगे, मिक्स हर्ब्स। ये इटालियन सीजनिंग है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। इससे ना स्वाद बदल जाता है। ये ऑरिगेनो हमने डाला है, इन सब ये जो गार्निश चीज़ें होती है इससे स्वाद ही बदल जाता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। और ये बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर 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 ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार 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 ही बनाते रहेंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी है, और सबसे बड़ी बात इसका टेस्ट ही अलग है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। Thanks for watching.